Good morning, friends. Today we are going to be discuss about optics. Optics is the important chapter for class 10th physics and 12th physics. You know very well, temperature produce heat, heat produce energy, and here light is form of energy. Light is form of energy and produce sense of sight. Light form of energy and produce sense of sight, इसी concept को आगे लेकर के हम chapter को चल रहे हैं. Source इसके light के primary, secondary और others तीन प्रकार के होते हैं. जो primary source है, primary source में जो हमारा mainly होते हैं वो सन, स्टार्स, सेकेंडरी में स्काई लाइट और अदर सोर्स में बल्ब, ट्यूब लाइट्स एसेट्रा. और आज हम जो जिन सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बल्ब ट्यूब की सहायता से ही हम यूट्यूब चैनल पर चैप्टर अपलोड करेंगे. लाइट का नेचर, इसका स्वभाव कैसा होता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और नॉन मैकेनिकल. कैसी है? नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक है. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और विजिबल रीजन जिसकी रेंज है 4 × 10⁻⁷ to 7 × 10⁻⁷ meters. इस रेंज की विजिबल रीजन में ये काम करती है. डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर करती है. लाइट रेज वैक्यूम में सबसे तेज रफ्तार से ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ meters per second. वैक्यूम में रफ्तार लाइट की ज्यादा होती है एयर से, और एयर की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है ग्लास से. लाइट की बहुत सारी इवेंट्स हैं, जिसमें मेनली एक इवेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. रिफ्रैक्शन में REFRA और रिफ्लेक्शन में LECT, ये ध्यान रखें आप. तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, ये भी प्रकाशिक घटनाएं हैं. डिफ्लेक्शन जिसे विवर्तन कहते हैं, ये भी प्रकाशिक घटना. पोलराइजेशन ध्रुवण, ये भी एक प्रकाशिक घटना है. विक्षेपण डिस्पर्जन, ये भी एक प्रकाशिक घटना है. और ये जो लाइट जो ट्रेवल करती है ये मीडियम पर डिपेंड करती है. मीडियम जैसे हमने अभी बात की ऊपर ही, जो लाइट के नेचर है, मीडियम दो होते हैं. एक डेंसर जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं, ये कांच, ग्लास, पानी वगैरह हो सकता है. दूसरा रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम में क्या होता है कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसे विरल माध्यम भी कहते हैं. हवा इसका एग्जाम्पल हो सकता है. ग्लास, शीशा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शीशा ये प्लेन भी होता है और स्फेरिकल भी होता है. प्लेन का मतलब प्लेन, स्फेरिकल का मतलब गोल. तो अब हम चैप्टर को यहां से आगे बढ़ाएंगे और हमारी शुरुआत होगी प्रकाशीय घटनाओं से, जिसमें रिफ्रैक्शन अपवर्तन और रिफ्लेक्शन परावर्तन दोनों घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे. तो जो हमारी परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं हैं, जिन्हें हम रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन मुड़ना बैंड, और रिफ्लेक्शन परावर्तन यानी वापस लौटाना, दोनों घटनाओं पर, प्रकाशीय घटनाओं पर अब हम चर्चा करेंगे. तो इन घटनाओं को देखिए, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस. इस सरफेस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी. पॉलिश करने के बाद ये इसका अपर पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया. कोई लाइट रेज इस पर आई, आई मतलब आई, आई का मतलब होता है इंसीडेंस रे, जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण. क्या बोलते हैं? आपतित किरण.
ये सरफेस के जिस बिंदु से गुजरी है उसके 90 डिग्री पर हम एक 90 डिग्री पर हम एक नॉर्मल बना देते हैं। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट। ये इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां से ये रेज इस सरफेस पर पॉलिश होने की वजह से दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वापस उसी मीडियम में, ये आपका मीडियम वन, ये आपका मीडियम टू, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसी मीडियम में, उसी प्लेन में वापस चली जाती है। और यहां इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और इस रे के बीच में, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है यहां से, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इस एंगल हो गया इसका आर। अब इसमें दो बातें क्लियर हो रही हैं कि जो एंगल ऑफ आई है वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह दिखाई देती है कि जिस मीडियम से, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है उसी मीडियम में वापस चले जाती है, यानी सेम प्लेन में रेज वापस चली जाती है, और इसे ही हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर। इंसिडेंट रे जो आई है वो वापस उसी प्लेन में चली गई, तो ये क्या हो गए? दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन का प्रथम नियम, ये द्वितीय नियम। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इंसिडेंस का बिगनिंग आई, मैं आई, मैं आई। यदि ये सरफेस नहीं होती तो क्या होती? एक सीधी लाइन होती। क्या होती? सीधी लाइन, एक रेखा होती। मैं आई, तुम ना होते तो मैं रेखा होती, आपकी वजह से मेरी किस्मत बदल गई और मैं रिफ्लेक्टेड हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। तुम ना होती तो मैं रेखा होती। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस है, इंसिडेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, तो ये हमारा इम्यूनिटी है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो वापस कोरोना क्या हो जाएगा? चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वो हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये एक भी एक प्रकार से क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन की घटना है। इसमें अब हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं वो मिलता जुलता शब्द है और उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, और अपवर्तन का मतलब है मुड़ना, बेंड। सरफेस से क्या होना? बेंड होना। अब हम अपवर्तन की जो घटना को पढ़ेंगे, इसको देखिए क्या होता है अपवर्तन। आप जानते हैं कि जब कोई संकट, संकट का मतलब टेंसर मीडियम, पार्टिकल पास पास, यानी मुसीबत, और विरल यानी कि खुशी अमन, मान सकते हैं उसी को आधार मान के पढ़ रहे हैं। ये एक कोई ग्लास स्लैब है और ये एयर है, एयर में से कोई लाइट रेज आ रही है, आई का मतलब इंसिडेंस। जहां भी ये मिलती है उसके 90 डिग्री पर हम बना देते हैं एक इमेजिनरी नॉर्मल। अब ये मीडियम कैसा है? बाहर वाला एयर, एयर का मतलब क्या हो गया? रेरर। और ये ग्लास है, तो ग्लास का मतलब क्या हो गया? डेंसर। और ये क्या है हमारा? नॉर्मल। इसमें
ये जो इनसी डेंट रे है, ये आई, यहां एक एंगल बना आई। अब इसको जाना था सीधा स्ट्रेट, किंतु ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि ये किरण सीधी नहीं जा करके ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरह से, ये एंगल ऑफ आर बेंड हो जाएगी, क्योंकि मीडियम कैसा हो गया, यह मीडियम कैसा है, डेंसर। अब ये रेज वापस ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब यहां से बाहर निकलेगी तो मीडियम कैसा हो जाएगा, रेरर, और यहां से क्या हो जाएगी, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये क्या हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। यानी कि अराउंड आप मम संकट भारी, जब कोई संकट होता है भगवान के पास जाते हैं, नॉर्मल की ओर झुक जाते हैं, जब काम निकल जाता है वापस दूर हो जाते हैं। सेम वो से वही घटना यहां हो रही है कि जब कोई रेज नॉर्मल यानी कि एयर रेरर मीडियम से आई, डेंसर में फंस गई, मुसीबत में, तो क्या होगी, हरोनाथ मम संकट भारी, और क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, उसको जो एंगल है वो घट जाएगा, और जब वापस काम निकल जाएगा उस मुसीबत से पार हो जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी गॉड से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये नीति है, जब हम साइकिल चला रहे हैं दलदल में फंसे हुए हैं तो हमारी साइकिल की स्पीड क्या है, स्लो हो जाती है, और कारण मीडियम कैसा है, डेंसर। जब सड़क पर आते हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है, हम मुसीबत से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो यही बात है कि जब कोई संकट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब दूर हो जाता है तो हम सबको भूल जाते हैं। तो वही घटना यहाँ है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। और इसका अपवर्तन का रूल है, एक साइंटिस्ट है स्नेल, और उसने दिया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यही क्या है, रिफ्रैक्शन का नियम है, स्नेल्स लॉ इसमें दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि और प्रकाश की घटनाएं किस तरह से आगे होती हैं, वो हम चर्चा करते हैं। ये एक ग्लास है, यानी सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, इसमें ये इसका सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट को हम इसकी परिधि से हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो गई, रेडियस, और इस सेंटर पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, सी, और ये क्या हो गया, इसका स्फीयर का मिडिल पार्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, पोल, क्या बोल दिया, पोल। अब इसको हम यहां से हटा दें, ये हिस्सा बन गया, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिडिल पार्ट मिलती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है, रेडियस, इस पर कोई रे आकर के वापस रिफ्लेक्टेड होती है, यहां जहां मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस क्या होता है, ये आर बराबर क्या हो गया, टू एफ, आर बराबर टू एफ, और एफ बराबर क्या हो गया, आर बाई टू। तो सिंपली हमारे टर्मिनोलॉजी है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। जस्ट सिंपल एक स्फीयर लिया, उसका सेंटर पार्ट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सीधा मिडिल पार्ट जो स्फीयर का है उससे ऐड किया, वो पोल, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस से जहां जो रेज वापस जा रही है, जिस जगह मिल रही है वो क्या है, फोकल लेंथ एफ। और इस घटना में आर बराबर क्या हो गया, टू एफ, एफ बराबर क्या हो गया, आर बाई टू। तो इसी तरह से हमारे जो ये ग्लास है, ग्लास पर हम पॉलिश कर दें तो वह मिरर बन जाता है, और ग्लास ट्रांसपेरेंट रहे तो वो लेंस बन जाता है। तो ग्लास जो है, यदि उसके एक सरफेस पर हमने क्या कर दी, पॉलिश,
तो क्या हो गया वो मिरर, और विदाउट पॉलिश, पॉलिश नहीं की तो क्या है वो लेंस। तो लेंस में और मिरर, दर्पण और लेंस में क्या फर्क है कि ग्लास है उसकी पॉलिश कर दी, मिरर पॉलिश नहीं की तो क्या है वो लेंस। अब लेंस अपनी बनावट के आधार पर अलग हो सकते हैं, मिरर भी अपनी आकृति के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। मिरर भी कैसे हो सकते हैं, मिरर प्लेन भी हो सकता है और मिरर कैसा हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्फेरिकल। तो प्लेन और स्फेरिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें ये देखिए आप, ये KO इंसिडेंस रे यदि KO में आती है, कहां आती है इंसिडेंस रे, KO में आती है। इंसिडेंस रे कहां आती है, KO में, यानी गुफा में आती है, गुफा से टकराती है, लड़ने के लिए आती है, तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव। कौन सा होगा लें? वो कॉनकेव। और यदि इंसिडेंट रे लड़ने के लिए सरफेस पर आती है, कहां आती है, सरफेस पर आती है, तो वो होगा कन्वेक्स। क्या होगा, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये कन्वेक्स, ये क्या है कॉनकेव। कॉनकेव में गुफा, गड्ढा। इंसिडेंट रे स्ट्राइक कहां करती, कहां टकराती है, केव में। अब बात ये इंपॉर्टेंट है कि सरफेस जो प्रकाशी घटना वो सरफेस से हो रही है या केव से हो रही है, तो एक हिस्से को पॉलिश करना पड़ता है। तो एक जिस हिस्से को, एक हिस्से को पॉलिश कर दिया, यदि केव से हो रही है तो हो गया कॉनकेव मिरर, और यदि सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हो गया कन्वेक्स। कौन सा हो गया, कन्वेक्स। तो यहां दो प्रकार की घटना है, होती है। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के, कॉनकेव और कन्वेक्स, और सिंपल मिरर प्लेन है, जैसे ग्लास प्रिज्म है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, ये प्लेन मिरर के एग्जाम्पल हैं।